हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्साइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। तो आज का मैसेज है कि चुप ना रहें, अगर कहीं पे अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनके सामने भी कुछ गलत होता रहता है लेकिन वो चुप रहते हैं। चुप रहना बहुत ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर्ड टू अगर कोई कुछ गलत करता है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि आप अगर चुप रहते हो। क्योंकि अगर आप चुप रहते हो और अन्याय के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाते हो तो इसका असर आप पे तो पड़ेगा ही, और साथ में आने वाले जनरेशन पे, आपके बच्चों पे, आपके रिलेटिव्स पे, आपके फैमिली पे, सब पे बुरा असर पड़ता है। इसलिए जितना हो सके उतना आवाज़ उठाएं, प्रोवाइडेड कि सारी चीज़ों को अच्छे से मेजर्स करके, ताकि इस तरह से ऐसा ना उठा लें कि आपको ही नुकसान पहुंचाया जाए। थोड़ा दिमाग से काम लें लेकिन चुप ना रहें, ठीक है। किसी चीज़ में अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलें, न्यूट्रल ना बने। न्यूट्रल बनने से होता क्या है कि जो गलत होता है उसके उसी को सही ठहरा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड अ 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी हूज फर्स्ट टू रोज आर मल्टीपल्स ऑफ u1। ये एक वेक्टर है हमारे पास, u1 इज इक्वल टू 1 1 1, दूसरा वेक्टर है u2 इज इक्वल टू 0 -1 1 रेस्पेक्टिवली। दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, जो है दो वेक्टर्स कौन सा, दो रोज है, एक मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो उसका सेकेंड रो दिया हुआ है। नोट दैट u1 एंड u2 आर ऑर्थोगोनल। ये कंडीशन हमको पता है कि u1 है और u2 जो है ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम लोग को चूज़ करना है। साथ में देखो हम यहाँ पे इस तरह से चूज़ किए हैं कि जो पहला रो है वो 1 1 1 का मल्टीपल है। तो सपोज़ मान लेते हैं k1, ठीक है। तो k1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, k1 k1 k1, तो इसीलिए हम लिखे यहाँ पे k1 k1 k1। दूसरा क्या है इधर, 0 -1 और 1, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 -k2 और k2, क्योंकि मल्टीपल्स बोला तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। और लास्ट वाला जो रो है इसके जगह पे तो हम कुछ भी ले सकते हैं, सो ले लिए हम xy और z। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो पता है कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साथ में बोला है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम p × p ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। तो इसको दोनों को हम मल्टीप्लाई करके p × p ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा। फिर इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3k1 स्क्वायर को बराबर करना है 1 के साथ में, ये कर दिया, यहाँ से k1 निकलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो है क्या k1, ये भी प्लस माइनस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम एक पॉजिटिव वैल्यू ली है, अब निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो क्योंकि एक ही मैट्रिक्स यहाँ पे शो करना है। तो बहुत सारा पॉसिबिलिटीज हो सकता है सॉल्यूशन का, तो वी आर कंसिडरिंग ओनली द पॉजिटिव वैल्यू। आप निगेटिव वैल्यूज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो k1 का वैल्यू ले लिया हम, उसी तरह से इसको कंपेयर करोगे तो क्या होना चाहिए, 0। तो उसी तरह से यहाँ कंपेयर किए तो देखो k1 आ गया है 1/√3, तो क्या k1 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब x + y + z को ही 0 होना पड़ेगा, ये एक और कंडीशन मिल गया। उसी तरह से 2k2 स्क्वायर को बराबर 1 करेंगे तो यहाँ से हमको k2 का वैल्यू ये मिल जाएगा, ओके। फिर यहाँ से फिर और कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, तो ये सारा जो कंपेरिजन करके हमको जो वैल्यूज़ मिलेगा xyz का ये मिल गया, ओके। और k1 और k2 का भी मिल चुका है, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, बन जाएगा तुम्हारा एक मैट्रिक्स भी। इसको बहुत तरीके से भी बना सकते हो, एक सिंपल सा तरीका मुझे ये लगा तो मैंने इससे बनाया। अगर इसका और कुछ तरीका है तो और भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ए एच वेयर ए इज इक्वल टू दिस। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका बोला ये निकालने के लिए। तो देखो ए एच, इसका मतलब और कुछ नहीं a² θ। इसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको मतलब ये इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। ये होता है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, कहने का ये मतलब है कि अगर कॉन्जुगेट निकालो और उसका ट्रांसपोज ले लो, या फिर ट्रांसपोज ले लो और उसका कॉन्जुगेट कर लो, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, पहले रियल को मत छेड़ो, इमेजिनरी का साइन पलट दो। तो 2+3i हो गया, 5 -8i - 4, 3+7i - 6+i और -5i, वेरी गुड। अब इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तब 2+3i - 8i - 4 3+7i - 6+i - 5i,
ये हो गया हमारा आंसर। तो ये जो है ना, इसी को हम लोग ए थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ए एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई अंतर नहीं है। तो ये हो गया हमारा सवाल। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट ए मैट्रिक्स ए, ये दिया हुआ है हमें 1/3 -2/3i, -2/3i, -2/3i और -1/3 -2/3i। ओके, ये यूनिटरी है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या मतलब होता है कि a इंटू ए थीटा ये बराबर आइडेंटिटी अगर आ जाए तो इसको हम लोग यूनिटरी बोलते हैं। तो यहाँ से हमको a थीटा चाहिए, a थीटा का मतलब उसका कॉन्जुगेट लेंगे फिर ट्रांसपोज ले लेंगे, कॉन्जुगेट लो और ट्रांसपोज ले लो। ठीक, तो कॉन्जुगेट लेते हैं पहले, a कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1/3 + 2/3i - 2/3i, -2/3 है तो ये 2/3i हो जाएगा और -1/3 + 2/3i। ओके, ये हो गया ये कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा 1/3 + 2/3i - 2/3i, ये 2/3i और -1/3 + 2/3i। ओके, तो ये हमको मिल गया क्या, ए थीटा मिल गया। अब ए को ए थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो करते हैं यहाँ पे, ये है ए, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए थीटा से। ए थीटा क्या है 1/3 + 2/3i - 2/3i - 1/3 + 2/3i। ओके, ये हो गया है हमारे पास। मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी आना चाहिए, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये लिखना पड़ेगा हमें, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये इधर आएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 1/3 - 2/3i को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में 1/3 + 2/3i, ये हो गया। प्लस फिर दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, सो 2/3i को मल्टीप्लाई करना है -2/3i के साथ में, ये हो गया पहला पार्ट। फिर 1/3 - 2/3i को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3i के साथ में, फिर प्लस। अब देखो काफ़ी एक स्पेशल क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूट ए बी यूजिंग ब्लॉक मल्टीप्लीकेशन वेयर ए इज इक्वल टू 1, 2, 1, 3, 4, 0, 0, 0, 2, जिसमें ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, और उसी तरह से बी है ये कुछ सेपरेशंस बनाकर इसको ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, हमको ए बी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ये सारे ब्लॉक्स हैं, तो इसमें देखो काउंट करो तो कितने ब्लॉक्स हैं, ये है ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, राइट। तो इसको हम नाम दे दे रहे हैं, इस वाले ब्लॉक का नाम दिए ई, इस वाले ब्लॉक का नाम दे रहे हैं एफ, ए तो जीरो ब्लॉक है इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ जीरो ओ लिखे हैं, और इसका ऑर्डर लिख दिए एक रो दो कॉलम, तो 1×2 लिख दिए। फिर ये वाला ब्लॉक है जी, उसी तरह से इस ब्लॉक का नाम दिया हुआ है आर, इसका नाम दिए हैं एस, इसका नाम दिए हैं ओ जिसका ऑर्डर है 1×3, और इसका ब्लॉक का नाम दिया हुआ है टी। अब ए बी फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ई आर प्लस एफ इन टू, ये अगर ये ओ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये वाला तो डिलीट हो गया, बचा क्या हमारे पास, ई आर बचा, इसलिए सिर्फ ई आर है। उसी तरह से ये फिर इधर लिखना है ई एस प्लस एफ टी, तो ये आ गया, फिर ये तो जीरो हो गया और इधर जीरो हो गया, तो ये तो जीरो हो गया, फिर ये हो गया जीरो, बचा लास्ट में जी टी। तो ये सारे ब्लॉक मल्टीप्लीकेशंस हैं। अब हम देखो ई आर, ई आर का मतलब क्या है, ई और आर को मल्टीप्लाई करना है, तो ई को यहाँ से यहाँ उठाया और आर को ये वाला इधर उठाया, फिर दोनों को इधर लिखा, ठीक है। ई एस लिखना है तो ई को यहाँ से उठाया और एस किधर है, एस यहाँ है, इसको इधर से इधर उठा के रख दिया, प्लस एफ टी, एफ किधर है इसको उठाओ यहाँ पे, और टी किधर है ये इसको उठाओ इधर, साथ में ये तो इसको जीरो है, जीरो ही रहने, तो जी टी लिखना है हमको, तो जी किधर है, जी ए है, तो जी वाला ये उठ गया और टी क्या है ये वाला, इसको उठा लो। तो देखो एक बड़ा सा बॉक्स के अंदर हम छोटा छोटा मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हम लिखे हैं। अब देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आ गया, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करके इसको इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये आएगा,
फिर ये वाला इधर हो गया और ये वाला इधर हो गया, फिर सारे ब्लॉक्स को भगाओ और इसको एक अच्छा सा फॉर्मेट करके सिर्फ नंबर्स लिख दो। इसको अगर तुमको डिवाइड करने का मन है जैसे, तो तुम डिवाइड भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा ए बी, तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, लेट m इज इक्वल टू डायग ए बी सी वेयर a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस। ये सब अपना छोटा छोटा अलग अलग मैट्रिक्स है और बोला है कि m का स्क्वायर निकाल के बताओ, क्योंकि m बोल दिया डायगनल मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो हमको पता है कि m क्या होता है, डायग ए बी सी, इसका स्क्वायर करोगे तो डायग सिर्फ एलिमेंट्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो a की जगह a स्क्वायर, b का b स्क्वायर, c का c स्क्वायर, सिंपल। अब अलग अलग ये निकाल लो, क्योंकि हमारे पास a है, b है, c है, तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा, बी स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा, सी स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करके ये निकालेंगे। अब क्या करना है, एम स्क्वायर तो मतलब ये भी एक डायगनल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर को इधर लिखना है, बी स्क्वायर को इधर लिखना है, सी स्क्वायर को इधर लिखना है, बाकी सारा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो। फिर इसको अगर और फ्रेश करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 7, 10, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इधर, यहाँ पे, इधर, 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 सब जीरो हो जाएगा। तो जब इसको लिखोगे तो ये इस तरह सा कुछ मैट्रिक्स दिखेगा। तो ये हो गया हमारा एक पर्टिकुलर आंसर, काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, बट ये अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम, तो ऑब्वियसली हम लोगों को करना है प्रैक्टिस। अब एक प्रूफ क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी पॉलिनोमियल्स, कुछ ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, एंड लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको प्रूफ करना है कि एफ प्लस जी इंटू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए, सेकेंड एफ इंटू जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए, एंड थर्ड एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है, इसको डबल टिक करो, 5 स्टार दो, 7 स्टार दो, जो भी दोनों हैं दो, अलग से लिखो, और इसका जो प्रूफ है इसी फॉर्मेट में इसको कॉपी में छापना और इसी को समझ करके रट लेना अच्छे से। तो देखो पॉलिनोमियल बोला है, तो एफ ऑफ एक्स को क्या हम लिख सकते हैं, समेशन ए आई एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेके आर, तो इसका मतलब क्या होता है, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। अगर मान लो ये वाला चीज अगर याद नहीं आ रहा है तो सबसे पहले ये लिख दो और उसको कंप्रेस करके ये लिख दो, क्योंकि ये सिंबल्स के साथ में अगर दिखाते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, काफ़ी सुंदर लगता है, इसीलिए हम ये इस तरह से लिखे हैं। उसी तरह से जी ऑफ एक्स को भी लिख सकते हो, समेशन जे इज इक्वल टू 1 से लेके एस बी जे एक्स टू द पावर ऑफ जे। अब जे का वैल्यू यहाँ से चेंज करेगा 1, 2, 3, तो जैसे ही चेंज करेगा तो क्या आ जाएगा, बी वन एक्स, बी टू एक्स स्क्वायर, बी से लेकर के बी आर, यहाँ पे बी एस, बी एस और एक्स टू द पावर ऑफ एस, ठीक है। तो दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेटिंग हो गया। इसके बाद एफ प्लस जी ऑफ ए, किसका क्या मतलब है, एफ प्लस जी को हम ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि ए और ए आई और बी आई का समेशन लेना है हमको, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है ए आई प्लस बी आई, टोटल समेशन कहाँ से कहाँ तक, एन तक जाएगा, तो आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है हमको किसके साथ में, ए आई के साथ में। अब इसको तोड़ दो, इसको जब तोड़ोगे तो इसका समेशन ए आई का ए के साथ हो जाएगा, प्लस इसका समेशन हो जाएगा बी आई का ए आई के साथ में, अलग अलग हो गया। अब इस वाले पार्ट को हम एफ ऑफ ए लिख सकते हैं और इस वाले पार्ट को हम जी ऑफ ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वाइट इजली डन, क्वाड एराटम डेमोन्स्ट्रेटम हेंस प्रूव्ड। उसी तरह से एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स करना है, प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट करना है तो ए और बी का प्रोडक्ट कर दिए और साथ में ये है एक्स, तो लिखेंगे समेशन आई जे ए आई बी जे एक्स टू द पावर ऑफ आई प्लस जे, क्योंकि हमको पता है प्रोडक्ट करना है तो पावर्स ऐड होना पड़ेगा। फिर इस वाले फिर एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए लिखना है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इसको लिख सकते हैं हम क्या, एफ ऑफ ए को ये वाला पार्ट और जी ऑफ ए को ये वाला पार्ट, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हमको ये वाला चीज मिलेगा एफ ऑफ जी इंटू ए। तो ये भी हो गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, क्वाइट इजली डन, हेंस प्रूव्ड। फिर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स
को प्रूव करना है हमको जी ऑफ एक्स, सॉरी ये वाला चीज प्रूव करना था, यहां से हम पहले ये ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि चाहे तुम ऐसे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो चाहे उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, आना तो एक ही चीज है। तो एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एफ जी, ठीक, इंटू ए। अब क्योंकि एफ जी और जी एफ बराबर होता है तो इसलिए हम इसको लिख दिए, और ए का जैसे है वैसे ही है, तो जी एफ ऑफ ए का मतलब हो गया जी डिस्ट्रीब्यूट होगा ए के साथ में और एफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए के साथ में, तो जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए, ये भी हो गया क्वाइट इजली डन, हेंस प्रूफ। तो जब भी प्रूफ का कुछ क्वेश्चन आ जाए तो उसको स्पेशल अटेंशन देना है, अलग से क्वेश्चन हो उसको लिखना है, हाईलाइट करना है, छापना है कॉपी में, उसको रटना है अच्छे से, क्योंकि ये प्रूफ्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, कि बता दिया, क्योंकि इस सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स ऑप्शनल में अभी तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा चल रहा है, तो इसमें ये बहुत सारे प्रूफ्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उसमें भी खतरनाक प्रूफ्स रहेगा, तो उसको क्या करना है, उसको अलग से स्पेशल अटेंशन दे करके वो सारे प्रूफ्स पर और थ्योरम्स को ज़्यादा फोकस देना, क्योंकि थ्योरम्स और प्रूफ्स बहुत सारे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पलट के देखना, बहुत सारे प्रूफ्स पूछा गया है, और एग्जाम में अगर सोचने लगे कि कैसे स्टार्ट करें एट द एंड, तब तो हो गया। इसलिए सारे प्रूफ्स को मोस्टली गुड न्यूज़ ये है कि जितने भी प्रूफ्स आप कवर करोगे टेक्स्ट बुक्स में और जितने भी पढ़ाऊंगा मैं, प्रूफ्स उतने ही से ही आएंगे, उससे अलग सा प्रूफ कभी भी नहीं आता, ठीक है। तो वो सारे प्रूफ्स को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से याद करेंगे ताकि एग्जाम में हम देखें प्रूफ और फटाफट उसको सॉल्व करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो बस ये कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हम लोग, अब अगले लेक्चर में हम लोग कुछ न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।